चीजें देख के दिल में इतना सा धक धक हो जाता है भाई, जैसे पूरा परिवार गया होगा, गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा हुआ है भाई। पूरे रास्ते इतने खतरनाक खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखे हैं कि घर जाने में ही डर लग रही है, लेकिन ऊपर वाले का साथ है। और ठीक है तब भाई है, ठीक है बुआ जी, बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने मेरे लड़का को इतना प्यार दिया, सपोर्ट कर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका देहरादून की इस घनी आबादी में, चारों तरफ घर ही घर दिखाई दे रहे हैं। बाकी आज मैं इन घरों को अलविदा कहने वाला हूं, और आज जा रहा हूं मैं अपने पहाड़ की ओर। सिर्फ यहां दो दिन रुका और ऐसा लग रहा था कि दो महीने रुक गया। अभी सुबह सुबह यहां प्यारी सी धूप खिल गई है, और कल तक तो मौसम सिर्फ बारिश ही वाला था, और आज घर जा रहा हूं तो धूप ही धूप दिख रही है यार। लोग देखो भाई, अपने कुत्ते को कितनी सेफ्टी से ला रहे हैं, मतलब पूरा मुंह बांध रखा है भाई, क्योंकि किसी को भी काट सकते हैं ना। इस टाइम आपको सिर्फ दो तरह के लोग दिखाई देंगे, एक जो सुबह सुबह अखबार देते हैं, और एक जो जॉगिंग कर रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए। अभी नहा धो के छत में आ चुका हूँ, और देहरादून की एक ही चीज बढ़िया लगी कि यहाँ दिन भर नहाने का मन करता है, इसीलिए यहाँ आके आदमी बहुत गोरा हो जाता है। और पहाड़ों पे तो यार दिन भर काम ही रहता है, एक ही टाइम नहाना होता है। अभी जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बाकी बैग बांधते हैं इसमें। ठीक है मामा जी, प्रणाम। ठीक है तब भाई है, ठीक है बुआ जी, बाहर चलते हैं दोस्तों। ओके, अभी चली हुई है 99.9, मतलब 100 होने ही वाली है। आपको सीधे घर पे दिखाऊंगा जहाँ। सफर की शुरुआत बढ़िया तरीके से हो गई है, बाकी इस वाली रोड पे अलग ही मजा आ रहा है बाइक चलाने का, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पे सभी लोग बहुत स्पीड से चल रहे हैं और बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है भाई। मेरा पहला ऐसा सफर होने वाला है जिसको मैं अकेला कर रहा हूँ। ये ऋषिकेश वाला रास्ता अलग हो गया, यहीं से हम चमोली, रुद्रप्रयाग सब जगह जा सकते हैं, और यह हरिद्वार और दिल्ली वाला रास्ता अलग हो जाता है यहाँ से। गाइस, जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ से केदारनाथ 250 किलोमीटर है, और बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब 310 किलोमीटर है, यानी कि मेरा घर भी 220 किलोमीटर तक दूर हो सकता है। गाइज, अभी ऋषिकेश पहुंच गए हैं, और यहां से पूरी टंकी फुल करवा देते हैं पेट्रोल की, और देखते हैं कितने दिन चलती है। और बाइक की सबसे बढ़िया बात यह है कि 50-60 का माइलेज देती है। दो गाड़ी एक साथ पार करने के लिए नहीं हो रहा भाई, देख लो, दोनों छोटी गाड़ियां हैं, जबकि इतनी बड़ी भी नहीं है बस ट्रक। इस पूरे रास्ते इतने खतरनाक खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखे हैं कि घर जाने में ही डर लग रही है, लेकिन ऊपर वाले का साथ है, और किस्मत अच्छी है कि आज पूरे दिन भर धूप है, और धूप रहनी भी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश होगी तो लैंडस्लाइड और ज्यादा होने का खतरा रहता है। आजकल यात्रा के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी भीड़ आपको इस वाली रोड पे देखने को नहीं मिलेगी, सभी लोग अपने घरों में एकदम सेफ्टी से हैं, कोई भी आजकल रिस्क नहीं लेना चाहता।
जब आप देहरादून से रुद्रप्रयाग और केदारनाथ की ओर आओगे तो आपको रास्ते में बहुत कम गांव देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां पे भी देखने को मिलेंगे बहुत मस्त और जबरदस्त गांव कम है और कहीं कहीं पे शहर बहुत ज्यादा है, मतलब ढाबे बहुत ज्यादा है। तो गाइज आपको हर 5-10 किलोमीटर के बाद एक न एक जगह पे ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ से पूरे पहाड़ खिसक के नीचे सड़क में आ रखे हैं। गाइज अभी 3 धारा पहुंच चुका हूं और सुबह 8 बजे निकला था और लगभग 1.5 घंटे में यहां पे पहुंच गया हूं और इस टाइम एक पराठा भी ऑर्डर कर दिया है। मैंने कहा है पूरे रास्ते कहीं भी नाश्ता नहीं किया तो यहीं पे करते हैं। गाइज अभी पराठा भी आ चुका और एक नंबर हो रहा है भाई। गाइज अभी देहरादून हर्रा वाला से 91 किलोमीटर आ चुका हूँ और जब मैंने देखा था तो वहाँ पे 100 किलोमीटर था और अभी 91 हो गया, मतलब 3 धारा 91 किलोमीटर दूर है हर्रा वाला से। अभी मैं भोले बाबा के पास उसी जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं शिवपुरी में आ गया हूँ। उतना मुझे यहाँ का नाम अभी भी नहीं पता, लेकिन माफ़ करना पिछली बार गलती हो गई थी क्योंकि यार एक भाई ने मुझे एक बार बोला था कि शिवपुरी में हूँ मैं, तो मुझे लगा कि यहाँ के लिए शिवपुरी बोलते हैं। बाकी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, आप सभी की मनोकामना पूरी जरूर होगी। अभी देवप्रयाग में पहुंच चुका और यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है जो कि मिलके गंगा नदी बनाती हैं। एक नदी आती है उत्तरकाशी से भगीरथी नदी और दूसरी आती है हमारे रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में मंदाकिनी भी मिक्स होती है, बाकी यहाँ से गंगा नदी कहलाती है और दोनों का कलर अलग अलग है। गाइज यहाँ पे होता है संगम, ये वाली नदी आती है रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी और ये उत्तरकाशी से आती है। आजकल बरसात होने की वजह से दोनों नदियाँ सेम दिखाई दे रही हैं। गाइज ये देखो गाड़ी के हाल क्या हो रखे हैं, तो गलती से भी यात्रा ना करें दोस्तों, आजकल पूरे पहाड़ खिसक के नीचे आ रहे हैं। कुछ कुछ चीजें देख के दिल में इतना सा धक धक हो जाता है भाई, जैसे पूरा परिवार गया होगा, गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा हुआ है भाई। नए जमाने में फायदा भी है, आपका टाइम बचता है, लेकिन नुकसान भी है, हमेशा के लिए चले जाते हो। जब ये धारी देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं, परसों तो दर्शन हो नहीं पाए थे लेकिन आज चलते हैं। ऐसे भी बढ़िया से माता रानी के दर्शन भी हो गए हैं। बाकी आजकल उतनी भीड़ नहीं है, यहाँ पे नवरात्रि और नवदुर्गे के टाइम पे बहुत बड़ा मेला लगता है तो उस समय यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आजकल बहुत बढ़िया है। गाइस कुछ कुछ लोग तो खुशी खुशी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई कोई कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं पहाड़ की नारी सब पे भारी, सभी लोग मेहनत करने में लगे हुए हैं। जब भी बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए और आपको भी करा दिए हैं, बाकी जब नवरात्रि में माता रानी का मेला लगता है उस टाइम बढ़िया तरीके से दर्शन कराऊंगा। अभी बहुत देर हो रही है और आसपास के नज़ारे इतने खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं, क्या बताएं, उसी के साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है।
अभी ठीक ठाक टाइम पे तिलवाड़ा पहुंच चुके हैं, बाकी यहाँ पे गाड़ी धुलवा दें। पिछले 3 दिन में बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। चलिए जी, अब यहाँ से हमारे गांव की सड़क लग गई और मन एकदम उदास सा हो गया है। बहुत गुस्सा सा आता है यार इस वाली रोड पे, और अब तो नई बाइक भी ले आया हूँ, अब तो और गुस्सा आने लगा है। पूरे रास्ते मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई 250-250 किलोमीटर के सफर में। अब जो 5-6 किलोमीटर का सफर होने वाला है, इसमें बहुत ही बुरा होने वाला है मेरे साथ। अरे अंकित भाई, बिग फैन यू। हेलो, ये हमारे किसान भाई हैं, लगे पड़े भाई। या क्या स्माइल है, बनी रहे। चलिए गाइस, माता रानी और भोले बाबा की कृपा से बहुत बढ़िया तरीके से अपने गांव में पहुंच चुके हैं। बाकी हमारे गांव की सड़क तो कभी ही ठीक होने नहीं वाली है, मैं खाली बोलता रह जाऊंगा। देखो ना कैसे गड्ढे पड़े हुए, यहां से लेकर वहां तक सिर्फ आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे। बाकी मैंने बाइक यहाँ पर खड़ी कर दी है, और ये देखो पहले मैं यहीं पर खड़ी करता था। तो गाइस, साक्षी भी कवर लेके आ चुकी है, और ठीक है, काम कूम तो नहीं हुआ ज़्यादा। क्या फेवरेट कलर है मेरा ये? हाँ ठीक है भाई, बस अब कवर कुवर मंगाया घर से। तो गाइस, अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बाकी घर पे बनाए स्पेशल चौंसा भात, इसलिए मैंने रास्ते में कहीं नहीं खाया, क्योंकि घर का खाना तो घर का खाना होता है। मम्मी ने बनाया स्पेशल, समोसे लोग मिठाई देते हैं, मैंने कहा समोसे खाओ यार, तो मिठाई बेकार है आजकल मिठाई खाना। परसों एक दिन मैं मिठाई लाया, और मिठाई आजकल बरसात में इतनी खराब हो रही है कि फफूंदी लगी हुई थी उसमें। सबसे ज्यादा खुश तो साक्षी हो रही है, क्योंकि साक्षी कॉलेज जाती है, तो सब तो बढ़िया हो गया। कॉलेज जाना, भैया के साथ घूमना, इधर उधर जाना। हाँ। और अमित के लिए बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने मेरे लड़का को इतना प्यार दिया, सपोर्ट करा। बहुत बहुत। और वैसे मैं पैदल जाता था आता था, एक एक रुपया बचाता था, ये इतना कंजूस है। समोसे खाने आ जाओ मेरे। और अब पता नहीं कैसे करके बाइक लिया। अरे घड़े बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए बचा के रखा करो। आप भी आ जाओ प्रसाद खाने के। माता रानी का प्रसाद है स्पेशल, आप सभी पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे। तो गाइस, सुबह से गाड़ी चला चला के बहुत थकान हो गई, और इतना लंबा सफर तय करना मेरे लिए आम बात नहीं है, क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले मैंने बाइक सीखी है। जो मुझे पहले से देखते होंगे उन्हें पता होगा। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो नीचे एक ब्लैक कलर का या रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो डालूं आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।